Hi everyone, welcome back to my channel Parif Habustel. I hope all are doing well. If you are new here, please subscribe my channel and share my video with your friends and family. Do also follow me on Instagram. My Instagram handle is Parif Habustel. I leave the link in the description box. So without any further ado, let's get started. So today I'm gonna share with you guys my first ever Zara haul. And yes guys, I never shop from Zara before क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि पहले तो मैं ज़ारा के कपड़े इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि ज़ारा के कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अभी तो मैं ले सकती हूँ बट अभी क्योंकि नहीं ट्राई कर पाई, क्योंकि मुझे मतलब मैं जहाँ से रहती हूँ वहाँ से ज़ारा का अगर स्टोर बहुत ज़्यादा दूर है तो इसलिए मतलब जाके शॉपिंग करना इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। एंड अगर मुझे ऑनलाइन ही एक ऑप्शन बचा हुआ है कि मैं ज़ारा से ले सकती हूँ, बट मैं इतना दिन से इसलिए ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि इसके ना रिफंड रिटर्न के बारे में कुछ पता नहीं है, रिटर्न पॉलिसी के बारे में। तो आई थॉट कि अगर मैं लूँ एंड मुझे पसंद ना आए तो मैं किस तरीके से रिटर्न करूँगी एंड रिफंड होगा भी या नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब खुद से इसमें आई थिंक जो मुझे पता है कि रिटर्न खुद से करना पड़ता है, इसका इनका कोई पिकअप आई थिंक नहीं है, तो इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि अगर मैं ट्राई करूँगी एंड रिटर्न नहीं हुआ तो मुझे पसंद नहीं है कपड़े, साइज इशू हुआ तो किस तरीके से रिटर्न करूँगी, सो इसलिए मैं ट्राई नहीं कर रही थी। बट कुछ दिन से मुझे एक जीन्स चाहिए था, स्ट्रेट फिट जीन्स जो कि समर के लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट जीन्स है। एंड इस तरह का जीन्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, लाइक 2020 से पहले मतलब 2018 से अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। पहले तो इस तरह का टेपर जीन्स मतलब स्किनी जीन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, बट अभी अगर आप फॉलो करेंगे स्टाइल वगैरह तो स्ट्रेट फिट जीन्स बहुत ज़्यादा भी ट्रेंड में है। एंड हाई वेस्टेड का भी बहुत ज़्यादा फैशन है, तो इसलिए मैं उस तरीके के जीन्स को ढूंढ रहे थे। एंड ऐसे मैं अगर शॉप वगैरह में देखूँ या मिंत्रा आजियो मैंने चेक भी किया, बट उस तरीके का जीन्स ना मुझे नहीं मिला, लाइक स्ट्रेट फिट जीन्स। एंड मिला भी तो मिड राइज, हाई राइज या सुपर हाई राइज जीन्स मुझे नहीं मिलता था। सो मैंने उसको एक बार ज़ारा पे देखा तो आई थॉट कि आई शुड डेफिनेटली ट्राई दिस जीन्स। एंड एकदम से मैं जो चाहती थी मुझे सेम ही मतलब वहाँ पे देखा ज़ारा पे। एंड मैं इस बार मतलब फाइनली ऑर्डर कर दिया जीन्स को। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ही मुझे इंस्टेंट मैसेज आ गया कि आपका ऑर्डर मतलब कन्फर्म हो गया, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी करवाया था। ज़ारा का एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करके स्टोर से भी पिक कर सकते हो, बट जैसे कि मैंने बोला कि मैं दूर रहती हूँ ज़ारा के स्टोर से, बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ, तो इसलिए मैं मतलब घर पे ही डिलीवर करवाया है। एंड इसमें डिलीवरी चार्ज लग रहा था मतलब 3100 के नीचे अगर मैं ऑर्डर करूँ, 3300 सॉरी, तो मुझे डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा 300 रुपीज़। एंड तो मेरा 2750 हो रहा था, तो आई थॉट कि 300 नहीं देके मैं एक अपने बेबी के लिए टी शर्ट ले लेती हूँ जो कि है 500 का, तो मुझे फिर शिपिंग भी नहीं देना पड़ेगा, तो मैंने इस टी शर्ट को भी लिया उसी साथ में। इस टी शर्ट को भी मैंने लिया है ज़ारा का एक बैग जिसमें मुझे रिसीव हुआ था प्रोडक्ट। तो लेट मी शो यू द जीन्स, दिस इज द जीन्स एंड एक हाई राइज जीन्स है एंड स्ट्रेट फिट है, बिल्कुल इस तरीके का फिटिंग है जीन्स का। एंड अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो सीरियसली मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू नॉर्मल जीन्स। इस जीन्स का प्राइस मुझे पड़ा है 2750, बट हम लोग जीन्स कितना यूज़ करते हैं तो इस हिसाब से अगर मैं पकड़ के चलूँ तो आप इस तरीके के जीन्स में, अच्छे क्वालिटी के जीन्स में, आपके पसंदीदार जीन्स में 3-4 इन्वेस्ट करो ना तो यू आर ऑल सेट। इसका जो भी परचेज वगैरह लिंक होगा ना सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इसके रिटर्न रिफंड पॉलिसी के बारे में मुझे सच में नहीं पता है, अगर मुझे नहीं पसंद आता तो मैं क्या करती, आई डोंट नो, बट मुझे तो थैंक गॉड कि मुझे पसंद आ गया। एंड साइज भी मेरा कोई इशू नहीं रहा, मेरा साइज इसमें है UK 8, आई थिंक इंडियन साइज में 26 आएगा, तो UK 8 मेरा साइज है। तो आप प्रॉपर साइज देख के एक बार ऑर्डर करना क्योंकि फिर रिटर्न के बारे में तो मुझे नहीं पता क्या होता है। बट एंड जो मैंने बेबी का एक टी शर्ट लिया है, जैसे मैंने बोला है एक टी शर्ट लिया है, एक ब्लू कलर में टी शर्ट है, एंड इसका फैब्रिक क्वालिटी ओ माय गॉड बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब
ऑनलाइन तो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, बट डेफिनेटली मैं जब स्टोर जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली बहुत सारा मतलब जीन्स कलेक्शन डेफिनेटली ट्राई करूंगी। एंड इस डेनिम को मैंने ट्राई किया था, एक इंस्टाग्राम स्टोर का एक पेज है क्लोजेट ह्यूज करके एक पेज, उनके एक फ्लोरल टॉप के साथ में, क्रॉप टॉप के साथ में, एंड इट टर्नड आउट अमेजिंग लुक। मतलब मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे मिल गया। सो ये था आज का छोटा सा एक जारा हॉल वीडियो एंड माई एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। अगर इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, लव यू।